मुजफ्फरपुर जिले के शहर से सटे पताही हरी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगल स्थान पताही हरी, जहां खुले आसमान के नीचे एक ही रूम में कक्षा एक से पांचवी तक के बच्चे पढ़ते हैं। बता दें कि वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी के कर कमलों द्वारा कई वर्षों पहले यह विद्यालय का शिलान्यास किया गया था, जिसका वर्तमान में हाल यह हो गया है कि यहां बच्चों के परिजन अपने बच्चों को पढ़ने भेजने से भी कतराते हैं। खुले आसमान के नीचे ठंड में फर्श पर बैठने से बच्चों को ठंड लग जाती है तो बरसात में बच्चे भीग जाते हैं। वहीं कड़ी धूप में पीपल के छांव और मंदिर के चबूतरे पर ऊपर से तिरपाल टांगकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां सरकार एक ओर बच्चों की उपस्थिति को लेकर नए नियम और नए नए फरमान जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के बैठने और पढ़ने के लिए सही संसाधन नहीं है, जिसका उदाहरण यह विद्यालय जहां टीचर तो 8 हैं, लेकिन रूम सिर्फ एक है। इस रूम में खाना से लेकर बच्चों की पहले से पांचवी तक की पढ़ाई कराई जाती है। जी सर, बच्चे यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं और एक ही रूम के अंदर जो है लगभग 1-5 के बच्चे जो है पढ़ते हैं, मतलब क्या वजह है इसका? इसका वजह ये है कि यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है जो यहाँ भवन और बनाया जा सके, और जो परिस्थिति हम लोग को ये दिया गया 2006 में ये नवसृजित स्कूल बना था और उस वक्त से यहाँ क्लासेस चल रही हैं। 1-5 क्लास के लिए मात्र एक रूम है, उसी रूम में खिचड़ी भी चल रहा है, उसी रूम में हम लोग अपना किसी तरह से चला रहे हैं क्लास। जब बारिश नहीं होती है और ठंड जब कम रहती है, जैसे अभी है ठंड कम है, तो हम लोग चबूतरा पर थोड़ा बच्चों को अलग करके पढ़ाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है उस वक्त और जब ठंड बढ़ जाती है तो उस वक्त हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। किसी भी तरह से बस हम लोग रूट मेंटेन करते हैं। इसको लेकर के सूचना कभी दी है, किसी को शिकायत की है? जी हाँ, इसका शिकायत क्या क्या है, इसका पेटीशन जो है हर जगह बीओ साहब के यहाँ भी दिया जा चुका है, मुखिया के थ्रू भी ऊपर बात गई है, लेकिन हर जगह से एक ही बात आती है कि ज़मीन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करें। फिर भी हम लोग जो अभी हमारी व्यवस्था है, जो सीमित संसाधन है, उसी में हम लोग किसी तरह से स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, कितने वर्ग तक से इसमें बच्चे पढ़ाई होती है? 1-5 वर्ग तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे? 112 नामांकित है। शिक्षक कितने हैं सर? शिक्षक 8 हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमरदीप मुकुल है। इसी स्कूल के? जी हाँ। मेठिया कोई सुविधा नहीं है, चाहते हैं उनसे कि स्कूल बनवाए, नहीं बच्चा सके, ठंडा लगता है, खुला हवा में बैठता है, गर्मी में बैठता है, उसमें पंखा लगे, स्कूल बने बड़का हो, काहे मैया अथी यहाँ पूजाई होता है, यहाँ पर बैठता है, यहाँ कोई साधने नहीं है समझिए स्कूल के। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सुसम व्यवस्था हो कि बच्चा सा अपना आराम से आके पढ़े, ठंडा में ठंडे लग जाएगा, गर्मी में गर्म में बैठाते हैं, ऐसा स्कूल बनना चाहिए कि बच्चा लोग को भी मन लगना चाहिए, कोई इसमें सुविधा नहीं है स्कूल में। यही चलते लगेगा सर जी का दबाव रहता है कि स्कूल में नहीं आएगा 3 दिन में नाम काट के हटा देगा, तो बच्चा लोग के कैसे भेजे, इसमें ठंडा लग जाएगा, खुली हवा में बैठता है। यही चाहते हैं कि स्कूल बनना चाहिए, सब चीज़ के व्यवस्था होना चाहिए अच्छा से। तो लड़का के भेजे इसी तो डर लगता रहेगा, और लड़का के भेजने में डर लगे कि जब ठंडा लग जाती वो चलते खुली हवा में बन जाती तो भेजवाई। हाँ, बन जाती तो भेजवाई। नाम मिला कहाँ के? जी, कोमल देवी। अच्छा, कौन पढ़ाइए यहाँ के स्कूल में? दो बेटा पढ़ रही है। पति नाम है? एगो के सुधांशु, एगो के ऋषभ। कहाँ पे स्कूल है? मलंग स्थान हरी पता है। हाँ, नया नियम लग रही है, अब नाम कर देते हैं लगातार 3 दिन आया तो नया नियम अथी लगातार अलथिन आ नाम कर जतिन तो दिक्कत बहुत हो रहा है। मलंग जी तर अथी स्कूल बनबे न करते हथिन, मलंग जी तर पढ़ रहा हथिन, कैसे होते, ठंडा के मौसम आ रहा है, ठंडा लग जाएगा बउआ के तो कैसे होगा। तो लड़का के भेजे में स्कूल डर लगे? लड़का के भेजे में स्कूल डर लगे। परेशानी बहुत बा। कि नाम मिला जगह यहाँ है तो ही नहीं तो भेजू कैसे।
आ तीन दिन के मामला में कॉल होते तो स्कूल कर दे नाम कर देवे ला तो कैसे होगा। पहले स्कूल बनते तो लड़का भेजोगे? स्कूल बनेगा तब लड़का के भेजेंगे। की नाम भेला कहाँ के? पूनम देवी। बेटा ये कौन मतलब पढ़ाई है कथी नाम? एगो बादल एगो जीगर। दो गो बेटा पढ़ाई है यहाँ? कहाँ पर स्कूल है? मल अथी पताई हरी। पताई हरी। हम नया नियम वाले है सरकार के, अगर तीन दिन लड़का अगर न आए लगातार तो नाम कटा के हटा देते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।